सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु और ग्रेच्युटी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण और ताज़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है और सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु के साथ साथ में ग्रेच्युटी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाने के विकल्प का इस्तेमाल करने से ग्रेच्युटी के लिए उसकी पात्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया और काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर दिया गया है। और फैसले में यहाँ पर न्यायपालिका ने कहा है कि हस्तक्षेप का कोई मामला यहाँ पर नहीं बनता है। और पीठ ने आगे कहा कि हम उच्च न्यायालय के विचार से सहमत हैं कि एक कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाने का लाभ उठाने के विकल्प का प्रयोग ग्रेच्युटी के लिए उसकी पात्रता के खिलाफ संचालित नहीं हो सकता है और इस तरह के एक विकल्प का प्रयोग करने से निजी प्रतिवादियों को ग्रेच्युटी से तब तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिष्ठान अर्थात याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बाद ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 5 के सख्त अनुपालन में छूट नहीं दी गई हो। और इसके अलावा यहाँ पर ये कहा गया है, अब ये साफ साफ कर दिया गया है कि यदि एक सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु में कोई बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी जाती है तो इसका असर उसके ग्रेच्युटी पर नहीं पड़ेगा और सरकारी कर्मचारी को उसके द्वारा की गई जो सर्विस है उसके लिए सर्विस ग्रेच्युटी का भुगतान भी किया जाएगा। और यहाँ पर आगे अदालत ने ये भी कहा कि विकल्प का प्रयोग करने से निजी प्रतिवादी को तब तक ग्रेच्युटी से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बाद छूट नहीं दी गई हो। पीठ ने आगे ये भी कहा कि कर्मचारी अपनी गलती का फ़ायदा नहीं उठा सके क्योंकि उन्होंने भुगतान के लिए ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 4 को लागू करते समय अपनी खुद की देरी के कारण ऐसा किया था और ग्रेच्युटी के रूप में और 10% ब्याज का भुगतान जो उन्हें दिया गया था अत्यधिक पक्ष में था और यह मानते हुए कि तार्किक के रूप से प्रतिवादी को अपने स्वयं के अपमान का लाभ लेने की अनुमति नहीं दिया सकती। पीठ ने विवाद की समग्र जाँच के बाद एक दयालु दृष्टिकोण लिया और ब्याज को 10% से घटाकर 6% कर दिया। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर दिया गया है और ये साफ साफ कर दिया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी करने के का असर उसको मिलने वाली ग्रेच्युटी पर नहीं पड़ेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए।